सत्ता के नशे में एक चूर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी सियासी विसात खो चुके हैं। खालिस्तान समर्थक जस्टिन ट्रूडो ने भारत और कनाडा के संबंधों के बीच कब्र खोद दी है। पहले भारत को कनाडाई पीएम ने बदनाम करने की कोशिश की, अब हिंदुओं को निशाना बनाने की पूरी कवायद चालू। जी हाँ, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के खतरनाक प्लान को भी भारत ने अब भांप लिया है। जस्टिन ट्रूडो अब अपने खत्म होते सियासी वजूद को बचाने के लिए खालिस्तान समर्थकों का सहारा ले रहे हैं। घटती लोकप्रियता से बौखलाए जस्टिन ट्रूडो अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आइए बताते हैं कि कनाडा के पीएम जो इस वक्त भारत विरोधी सुर में है, उनके खतरनाक प्लान क्या है जो अब एक्सपोज हो चुका है। लेकिन इस खबर की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है अच्छी न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ रवि चुनाव उपाध्याय। कनाडा के पीएम खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाकर वहां खालिस्तानियों को खुश करने में लगे हैं। इसके पीछे की वजह है कनाडा के आने वाले चुनाव, जहां कई सर्वे में अगली बार उनकी सरकार बनती भी नहीं दिख रही है और इसलिए वो चुनाव जीतने के लिए हर तिगड़म अपनाने में लगे। जहां कनाडा में वो खालिस्तान समर्थकों का वोट पाने के लिए भारत विरोधी बातें बोल रहे हैं ताकि वो कुर्सी पर फिर बैठ सके। खालिस्तानियों की गोद में बैठे जस्टिन ट्रूडो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह की राह पर चलने को तैयार है। अब आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के दावे अनुसार ट्रूडो को अपनी सरकार बचाने के लिए एनडीपी नेता जगमीत सिंह के समर्थन की जरूरत है। जहां जगमीत सिंह ने साफ कह दिया है कि अगर उनका सपोर्ट चाहिए तो उन्हें खालिस्तान समर्थकों को खुश करना होगा। जस्टिन ट्रूडो जगमीत सिंह की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ कनाडाई हिंदुओं को निशाना बनाएंगे, ये सब रिपोर्ट में दावे किए गए हैं। जहां एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है कि कनाडा में रहने वाले हिंदू सिखों और मुस्लिम दोनों के विरोधी हैं। यानी कुल मिलाकर चुनाव से पहले जस्टिन ट्रूडो धर्म के रंग में रंगते नजर आ रहे हैं, जहां वो भारत विरोधी जाल बिछाने की असफल कोशिश भी कर रहे हैं। यही वजह है कि वो खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत को निशाना बनाने के लिए कनाडा के अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन मांगने वाले। यही नहीं, वो ब्रिटेन से भी भारत की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि भारत ने रुख स्पष्ट किया है कि कनाडा इस वक्त एक झूठ की बुनियाद शुरू करने की कोशिश कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो भी यहां अपराध को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। जी हां, कनाडाई पीएम दावा करते हैं कि निज्जर हत्याकांड में उनके पास भारत के खिलाफ सबूत है, मगर भारत के बार बार मांगने के बाद भी वो सबूत नहीं दे पाए हैं। उनकी पोल हर रोज खुलती है। कनाडा में भी उनके इस रुख से नाराजगी है। कनाडाई पत्रकार डैनियल बोर्डम ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर निशाना साधते हुए उनकी विश्वसनीयता और नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। बहरहाल, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट का दावा है कि खालिस्तानी सोच का समर्थन करने वाले जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ डिप्लोमेटिक वॉर पर फाइव आइज अलायंस को जानकारी देकर एंग्लो सेक्शन पश्चिम का समर्थन भी मांगा है। यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर है कि फिलहाल गुपचुप तरीके से पाकिस्तान और उसका गुप्त तंत्र नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम के जरिए भारत और कनाडा के संबंधों में दरार पैदा करने के लिए काम किया जा रहा है। ऐसे में भारत के खिलाफ खड़े कनाडा के पीएम अपनी राजनीतिक अस्तित्व को चमका रहे हैं। ट्रूडो भारत को निज्जर मामले में बदनाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जहां वो फिलहाल पूरे तरीके से सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए खालिस्तानियों की गोद में बैठ चुके हैं। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर देखा जाए तो एक डर बहुत बड़ा कनाडा में बन रहा है कि कहीं बांग्लादेश जैसी स्थिति कनाडा में ना बन जाए, जहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में आप इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए अच्छी न्यूज़। धन्यवाद।